बोल्ड स्काई पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कनक धारा स्रोत के महत्व की। जी हाँ, कनक धारा स्रोत को शास्त्रों में बेहद खास महत्व प्रदान किया गया है। मनुष्य की अधिकांश परेशानियां धन से जुड़ी होती हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा एक ऐसे ही मंत्र की रचना की गई थी, जिसके सही और नियमित उच्चारण से माँ लक्ष्मी भी आपके ऊपर धन बरसाने के लिए विवश हो जाएंगी। इस मंत्र को कनक धारा स्रोत कहा जाता है। कनक धारा, जिसके नियमित उच्चारण से आपके जीवन की धन संबंधी परेशानियां दूर हो जाएंगी, या ऐसा भी हो सकता है कि धन संबंधी परेशानियां कभी आपके नज़दीक ही ना आए। कहा जाता है कि एक बार आदि शंकराचार्य भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। ऐसे में एक महिला की नज़र भिक्षा मांगते हुए उस बालक पर गई। उस महिला को बालक के प्रति अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। वो स्त्री बहुत निर्धन थी, उस बालक को कुछ भी अच्छा भोजन के लिए नहीं दे सकती थी। उस समय उसे अपने दुर्भाग्य पर क्रोध आ रहा था। आदि शंकराचार्य ने उस स्त्री से कहा कि जो भी उनके पास है, भले ही बहुत कम, लेकिन वो पर्याप्त है। उस स्त्री ने एकादशी का व्रत रखा हुआ था और उसके पास एक बेर के अलावा व्रत खोलने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने वो बेर भी शंकराचार्य के पात्र में डाल दिया। वहाँ से निकलते हुए शंकराचार्य जी ने लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप किया और तभी अचानक वहाँ बेरों की बरसात सी होने लगी और देखते ही देखते उस स्त्री के घर का आंगन बेरों से भर गया। ऐसा कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन और श्रद्धा के साथ नियमित तौर पर, विशेषकर शुक्रवार के दिन, कनक धारा स्रोत का जाप करता है, माता लक्ष्मी उसके जीवन से धन संबंधी परेशानियों को हर लेती हैं। तो फिर सावन का महीना चल रहा है और शुक्रवार भी आने वाला है, तो ऐसे में कनक धारा स्रोत का पाठ शुरू करें और हर शुक्रवार इसका पाठ करके इसके लाभ उठाएं। कनक धारा स्रोत से जुड़ी इसी खास जानकारी के साथ ही बोल्ड स्काई में अभी के लिए बस इतना ही।